जो लड़की मधुबनी में रेप हुआ उसके साथ आदमी तीन को फांसी दो, और लड़की सब पेपर में पढ़ा, लड़की लोग बहुत डर रही है, डर सहम के घर में बैठ रही है। अगर आज के हम लोग के प्रदर्शन से गवर्नमेंट नहीं सुनती है, हमारी सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो इसके बाद इससे भी कड़ी प्रदर्शन की जाएगी। वो लड़की का दोनों आँख फोड़ दिया, अब वो लड़की का पूरा ब्लड गिर गया, वो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूँ शिवम कुमार। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जो हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिलाएं जो हैं वो बढ़ते क्राइम जो ग्राफ जो बिहार में बढ़ रहा है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो महिलाएं और पुरुष जो आपको दिख रहे हैं इसमें से कई ऐसे जो हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं न सुन पाते हैं, तो इनसे हम सीधे जुड़ेंगे। एक और व्यक्ति हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला है जो आप आज सड़कों पर उतरे हैं। पिछले कुछ दिन पहले, अभी जस्ट एक आध सप्ताह पहले, बिहार के मधुबनी जिला में मुखबधिर लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार। सुबह में अपने बकरी के चराने के लिए घास लाने गई, उसके साथ गांव के दरिंदे ने करीब 3-4-5 लोगों ने बलात्कार करके उसका आँख फोड़ दिया। और वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में है, उसका उचित इलाज नहीं हो रहा है, दरभंगा में वो एडमिट है। वो लड़की का दोनों आँख फोड़ दिया, अब वो लड़की का पूरा ब्लड गिर गया, वो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, और उसका इलाज भी नहीं हो रहा। वो गरीब परिवार से है, वो उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग अपनी उसको न्याय दिलाने के लिए, न्याय ये है कि जो बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार है, जो नहीं बोल सकती है, नहीं चल सकती, नहीं सुन सकती, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो उस लड़की को पहले तो उचित न्याय मिले, उसका उचित इलाज हो। अभी भी उसकी ज़िंदगी बच सकती है, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बिहार सरकार यानी सूबे के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी मांग है कि उस लड़की जिसके साथ घटना घटी उसको उचित से उचित वरीय प्रशिक्षित अस्पताल में इलाज कराया जाए, और मुख्यमंत्री इस घटना को अपने अध्यक्षता में लेके दोषी को फांसी की सजा दे कि ताकि ऐसी घटना ना हो। फिर मेरी मांग है उस लड़की को सरकारी नौकरी मिले, अब परिजन को कम से कम 25 लाख रुपया तक का मुआवजा मिले। उम्मीद है आपको कि बिहार सरकार उन जो किए हैं गैंग रेप उनको पकड़ पाएगी? देखिए सर, ऐसा तो कोई नई मामला नहीं है, ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन सुबह के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ये कहा करते हैं कि हमारे यहाँ बेटियों की सुरक्षा सबसे आगे है, तो आज दिव्यांग बेटी के साथ असुरक्षा हुआ है, राक्षसी प्रवृत्ति से लोगों ने उसे बलात्कार किया है, सामूहिक बलात्कार करके उसके आँख को घायल कर दिया, उसके आँख की तितली को निकाला गया, तो इस न्याय के साथ बैठे हैं। अब ईश्वर ने न्याय नहीं किया, धरती के भगवान, जो धरती के भगवान है शासन, मुख्यमंत्री जी या प्रशासन, अब उन्हीं से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा तो है। चलिए, तो मधुबनी में जिस तरह से एक लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है उसी को लेकर ये लगातार जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है ये सारे लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं, बोल नहीं पाएंगे। हमारे साथ एक और हैं शख्स हैं, क्या लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को कि न्याय मिल पाएगा? उम्मीद है, तभी आज प्रदर्शन हुआ है। अगर आज के हम लोग के प्रदर्शन से गवर्नमेंट नहीं सुनती है, हमारी सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो इसके बाद इससे भी कड़ी प्रदर्शन की जाएगी। अच्छा, कुछ लोग आपके साथ हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, तो वो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं अभी? यहाँ पे सारे नहीं बोल पाते हैं, सारे नहीं सुन पाते हैं। अच्छा, तो आप इनकी बातों को जरा बताएं कि ये क्या कहना है। कितना टाइम ली? बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, एक सेकंड, आप बोलिए ना, क्या बोलना चाह रही है? ये जो लड़की मधुबनी में रेप हुआ उसके साथ आदमी तीन को फांसी दो, और लड़की सब पेपर में पढ़ा, लड़की लोग बहुत डर रही है, डर सहम के घर में बैठ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को मन से डर खत्म करना चाहिए। कान नहीं था उसके पास, मुंह नहीं था, प्लस आँख भी नहीं है। गवर्नमेंट उसको नौकरी दे, उसके परिवार को मुआवजा दे और अच्छे से ट्रीटमेंट दे ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल हो पाए। CM हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेल्प दो, जॉब दो और उसका अच्छे लाइफ स्टाइल पे। चलिए, तो देखिए ये नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके बातों को सुना जाए,
और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हालांकि ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार जो है नीतीश कुमार से ये गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उस लड़की को न्याय मिल पाता है। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।